हेलो गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का कंप्लीट ओवरऑल एक्सपीरियंस। मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद में 10 लैक्स पर एनएम की जॉब भी की है, 12 लैक्स पर एनएम की जॉब भी की है और मैंने लगभग 25 लैक्स पर एनएम का पैकेज भी ठुकरा दिया था एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद में। तो ये सभी ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एमएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं, बीएससी माइक्रो मैंने किया था, उसके बाद मैंने सोचा एमएससी किया जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाए या फिर जॉब कर ली जाए। मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया जॉब कर सकते हो, लेकिन मैंने सोचा यार अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँगा तो शायद मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, बेटर पैकेज या बेटर जॉब मिल सकती है। एमएससी करने के बाद में हालांकि मेरी ये गलतफहमी तो दूर हो गई कि मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर पैकेजेस वगैरह मिल सकते हैं, ऐसा तो मेरी गलतफहमी दूर हो गई थी, लेकिन जो है मुझे फिर भी अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल गए थे, मतलब 10 लाख 12 लाख 25 लाख वगैरह के। तो उसके पीछे क्या स्टोरी थी, क्या रीज़न थे इतने बड़े बड़े पैकेज भी, मैंने जॉब भी किया ठुकरा भी दिए, क्यों किया? तो जो एमएससी मैंने करना शुरू किया था, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ क्या इतना टफ होगा आप लोगों के लिए एमएससी। पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने पहली बार एमएससी का सिलेबस देखा था तो बहुत ईजी था, और मैंने बीएससी के बेसिस पर जो सारी चीज़ें पढ़ी थी, जो बायोटेक और माइक्रो की चीज़ें काफ़ी सिमिलर होती हैं, उसी के बेसिस पर ही बिना पढ़े मैंने पूरा का पूरा एमएससी फर्स्ट डिवीज़न से अच्छे मार्क्स से पास कर लिया और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो एमएससी कर सकते हैं। लेकिन जो जॉब की बात आती है, यहां पर आकर चीजें थोड़ी सी डगमगा जाती हैं। लेकिन जॉब पे आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आईएफएस कोचिंग के ऊपर एक भी बहुत ज़बरदस्त एक ऑफ़र चल रहा है। अभी आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है और ये ऑफ़र दो दिन के लिए वैलिड है, 22 से लेकर 24 सितंबर तक ये वैलिड है। इसमें वो प्रोमो कोड यूज़ करना पड़ेगा आईएफएस और आपको जो है पूरा ये डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। यहाँ से टॉपर्स भी निकलते हैं आईआईटी जेम की कैटेगरी में और दूसरे में भी। दूसरी कैटेगरीज के बारे में बताऊँ, जितने भी एमएससी के कोर्सेज हैं सभी पर फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी पर सभी पर 50% का डिस्काउंट है। प्रोमो कोड यूज़ करना IFS और आपको इन सब के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़्यादा जानकारी के लिए आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये भी 24 सितंबर तक वैलिड है। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो जॉब की हम जब बात करते हैं एमएससी माइक्रो के बाद में, जी जब मेरी पहली बार जॉब लगी थी तो मेरी सैलरी पैकेज जो था वो बहुत ज़्यादा कम था, मतलब ग्रेजुएशन में लग गई थी जॉब तो, लेकिन वो मेरे स्किल्स के बेसिस पर थी ना कि मेरी माइक्रोबायोलॉजी के बेसिस पर थी। हाँ, जब मेरी माइक्रो कंप्लीट हुई तो मेरा पैकेज बढ़ गया क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के टाइम से जॉब करते हुए आ रहा था और तब तक मुझे अच्छा खासा लगभग ढाई तीन साल का एक्सपीरियंस हो चुका था, और वो जो एक्सपीरियंस था उसका मुझे फ़ायदा मिला। और जो डिग्री होती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन नाम का मुझे थोड़ा सा फ़ायदा मिला, इस वजह से मुझे पैकेज अच्छा मिल गया। तो एमएससी के बाद में जब मुझे लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया टीचिंग का, तो मैंने कई जगह अप्लाई किया और एक जगह से मुझे कॉल आया कि आपको हम हायर करना चाहते हैं, आप टीचिंग करो हमारे यहाँ पर आकर। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया लगभग 70,000 पर मंथ का जो ऑफ़र था मेरे पास में, तो मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली। और एमएससी के बेसिस पर सच बताऊं तो वो जॉब सिर्फ डिग्री के बेसिस पर, थोड़ा सा पैकेज मेरा बड़ा था कि हाँ मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मुझे लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस है, और 4 साल के एक्सपीरियंस में भी मैंने अच्छे खासे यूट्यूब पर वीडियोज़ डाले थे, उसका भी वो भी एक रीज़न था वो जॉब मिलने का। तो सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी के बेसिस पर मुझे 70,000 की जॉब नहीं मिली थी, और भी फैक्टर्स थे, बहुत सारे स्किल्स मैंने डेवलप किए, लाइक टीचिंग कैसे करनी है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, अपने बोलने का तरीका, क्लास में किस तरह से बच्चों को कन्विंस करना है, किस तरह से पढ़ाना है, ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने डेवलप करी, जिसके बेसिस पर मुझे वो 70,000 पर एनम का जो था पर मंथ का जो पैकेज मिला था, और लगभग वो सारा कुछ मिला के लगभग 10 लाख पूरे साल का वो बैठ रहा था। वो जॉब करी मैंने छः महीने तक मैंने वो जॉब करी। कहते हैं ना किक नहीं मिल रही थी, हालांकि वर्क फ्रॉम होम था, घर से बैठ के पढ़ाना था। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बेसिस पर मैंने सोचा कुछ और करते हैं, मैंने ट्राई किया किसी लेबोरेटरी में जॉब करने का, लेकिन लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस सच बताऊँ आपको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैंने कहीं भी लेबोरेटरी में अप्लाई किया, एक जगह मैंने अप्लाई किया तो मुझे एक कॉर्पोरेट जॉब मिली, वो 23,000 पर मंथ की थी और मैंने वो नाइट शिफ्ट थी और वो मैंने एक रात करके छोड़ दी। उसके बाद मैंने कई जगह लेबोरेटरी में अप्लाई किया तो लेबोरेटरीज़ वगैरह में मुझे जो जॉब मिले थे वो लगभग कोई 15,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, इससे ज़्यादा लेबोरेटरी का एक भी जॉब का ऑफ़र मुझे नहीं मिला।
फिर से अपन ने सोचा कि चलो भाई ठीक है, कोच टीचिंग ज्वाइन करते हैं, उसमें अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं, मुझे एक्सपीरियंस भी है उसमें। फिर मैंने एक जगह ज्वाइन किया, मुझे पैकेज मिला, तो अभी वो मैं रिवील नहीं करूँगा कंपनी का नाम, शायद मैं उसको फिर से ज्वाइन कर लूँ। और वो पैकेज था 1 लाख पर मंथ का, यानी कि 12 लाख पूरे एक साल के, अच्छा खासा पैकेज था। और वो भी कुछ MSc के बेसिस पर, कुछ मेरे स्किल्स के बेसिस पर, कुछ YouTube के बेसिस पर, तो सारी चीज़ें मिक्स्ड होके वो पैकेज मिला मेरे को, बहुत अच्छा खासा। तो वो किया, उसके बाद एक दिन मैं अचानक बैठा हुआ था और मुझे एक कॉल आया, उन्होंने कहा, वो आकाश बायजूस से बोल रहे हैं और वो हेड थे किसी सेंटर के, एंड वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था, हम आपको हायर करना चाहते हैं, आप आके पढ़ाओ हमारे सेंटर पे, और आप हमको, हम आपको जो है लगभग देंगे 2 लाख रुपए जो हैं पर मंथ देंगे, HRA वगैरह अलग मिलेगा, और आप आके इमीडिएटली ज्वाइन कर लो। बट एट दैट टाइम मैंने मेडिकल में एडमिशन ले चुका था, क्योंकि मुझे डॉक्टर भी बनना था, मुझे अपना हॉस्पिटल भी लगाना था। तो उन्होंने कहा था मुझसे कि आपको पुणे आना पड़ेगा, तो मैं पुणे जा नहीं सकता था, पुणे में गया नहीं, तो इसलिए मैंने वो जो 25 लाख का पैकेज लगभग मेरे को मिला था, 24-25 लाख पर NM का मुझे पैकेज मिला था, वो मैंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब दिल को यार दुख तो हुआ था, मतलब साल में यार 25 लाख बहुत होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद किसको मिलती है इतने की जॉब। तो वो मैंने हालांकि रिजेक्ट कर दिया, मैं कहा चलो ठीक है, कुछ बड़ा करना है तो कुछ तो पाना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा इस वजह से। तो गाइज, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस MSc माइक्रोबायोलॉजी के बाद में कि कैसा था। तो यहाँ से मुझे सिर्फ ये पता चलता है, एक स्टोरी का मोरल बताऊँ आपको, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि स्किल्स डेवलप करो आप अपने अंदर, स्किल्स के बेसिस पर आपको जॉब मिलेगी, डिग्री तो आप कहीं से भी हासिल कर लोगे। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कोई भी डाउट्स क्वेरीज रहेंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।